हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रंजना। तो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्राइड राइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइज, फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने लिया है लहसुन, मिर्च, प्याज और गार्निश करने के लिए धनिया। लहसुन, मिर्च और प्याज को मैंने बारीक काट लिया है और दूसरी साइड में हमने लिए हैं वेजिटेबल्स। तो मैं वेजिटेबल्स में यूज़ कर रही हूँ गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च। गाइस, मैंने एक बड़ा गिलास चावल लिए हैं, उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और लिया है सोया सॉस। मसालों में मैं यूज़ कर रही हूँ मिर्च, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर। गाइस, तो सबसे पहले मैं चावलों को अच्छे से धोकर साफ़ कर लूँगी, कुछ इस तरह से। हमने इसे अच्छे से मलकर साफ़ करने हैं। चावल अच्छे से साफ हो चुके हैं। गाइस, तो हम दूसरी साइड पर चावल पका लेंगे। जितने हमने चावल लिए हैं उसका दुगना हमने पानी लेना है। ढक्कन लगाकर कुकर बंद कर देंगे और पानी को गर्म होने देंगे। गाइस, पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ और कुकर में डाल देंगे सारे चावल। और चावलों को सिर्फ 80% तक पकाना है, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। गाइस, तो चावलों को हम सीटी के द्वारा नहीं पकाएंगे, भाप के द्वारा पकाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 80% तक पके हुए चावल ही चाहिए। चावल 80% तक पककर रेडी हो चुके हैं। चावलों को एक बड़ी थाली में फैला लेंगे ताकि जो इसका बचा खुचा पानी है वो भी निकल जाए। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब मैं डाल रही हूँ तेल। तो गाइस, मैं सरसों का तेल का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और तेल को गर्म होने देंगे अच्छे से। गाइस, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने डाल दी है लहसुन और लहसुन को अच्छे से पका लेंगे जब तक ये लाल नहीं हो जाते। लहसुन पक चुका है। मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और हरी मिर्च को भी अच्छे से पका लेंगे। लहसुन और मिर्च अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ कटे हुए प्याज, और प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। हमने प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो शिमला मिर्च है वो सॉफ्ट हो जाए। और साथ में ही कटे हुई बीन्स डाल लूँगी मैं, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कटी हुई गाजर भी इसी तरह हम डाल लेंगे। गाइस, तो हमने सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, 5 से 7 मिनट तक ही पकाना है। गाइस, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं वेजिटेबल को पकाते हुए। अब मैं डालूंगी इसमें मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइज, हमने करछी को तब तक चलाना है जब तक जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से वेजिटेबल्स में मिक्स ना हो जाएं। गाइज, तो मसाले अच्छे से वेजिटेबल्स में मिक्स हो चुके हैं। अब मैं डालूंगी इसमें सोया सॉस एक ढक्कन, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, तो मसाले अच्छे से पक भी चुके हैं और वेजिटेबल में मिक्स भी हो चुके हैं। अब मैं डालूंगी चावल
गाइस इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। गाइस तो चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल्स में और उसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हमारी फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइज़ ये था मेरा आज का ब्लॉग, तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।